हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सर फिलिप सिडनी पर है, जो कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश सोनेटियर थे आफ्टर शेक्सपियर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। हिज लाइफ स्पैन वाज फ्रॉम 1554 टू 1586, दैट मींस 31 इयर्स। अभी इन्होंने 32 इयर्स की एज तक पहुंचे ही नहीं थे कि इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज अ वर्सेटाइल पर्सन। ही वॉज इंग्लिश पोएट, कॉर्टियर, स्कॉलर एंड सोल्जर। As a student of English literature, one should know the life of Sir Philip Sidney besides his work, because he was the real gentleman. He was born into the aristocratic family, royal family से ये belong करते थे। For example, इनके जो grandparent थे वो Earl of Northumberland थे, जो इनके brother-in-law थे यानी कि इनके sister के husband वो Earl of Leicester थे, इनके father Lord Deputy of Ireland थे। तो ये शुरू से ही aristocratic family से belong करते थे and इनकी family के और Queen Elizabeth First के काफी अच्छे और cordial relations थे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग श्रूसबरी स्कूल में की, जहां पर वो फुल्क ग्रेवेल से मिले। वो ये इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी बने और इन्होंने सिडनी पे बायोग्राफी भी लिखी, द लाइफ ऑफ रिनाउंड सर फिलिप सिडनी, जो 1625 में पब्लिश हुई। स्कूलिंग के बाद ये यूनिवर्सिटी गए, क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने ज्वाइन की और 1568 से 71 तक वो इसी यूनिवर्सिटी में रहे। बट बिफोर टेकिंग द डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ही लेफ्ट फॉर यूरोप। तो 1571 में वो यूरोप के लिए चले गए। 1572 में वो फ्रांस गए और उन्होंने देखा कि क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने मैरिज कर ली है एक फ्रेंच पर्सन और एक कैथोलिक पर्सन से, जिसका नाम है ड्यूक डी एलेंकॉन। ये बात इंग्लैंड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ द वन के खुद का कोई पर्सन नहीं, खुद का कोई चाइल्ड नहीं था। और अगर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की डेथ होती है तो इंग्लैंड की जो मोनार्की है वो फ्रांस के पास चली जाएगी। सो ये मैरिज सभी इंग्लैंड के लोग अपोज कर रहे थे और इन्होंने भी अपना ओपोजिशन दिखाया और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को पर्सनली लेटर्स भेजे ताकि वो उनको मना कर सकें कि ये अपनी मैरिज को रोक दे। इसके बाद इन्होंने काफी समय जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया में स्पेंड किया। 1571 में वो यूरोप की तरफ चले गए एंड 1575 में वो इंग्लैंड दोबारा आए। जब वो इंग्लैंड में आए तो वो पेनेलोप डेवरक्स से मिले। पेनेलोप डेवरक्स एक छोटी सी लड़की थी, करीब 12 साल की लड़की थी। इस पेनेलोप से सिडनी का एंगेजमेंट हो गई थी, बट किसी कारणवश वो इससे मैरिज नहीं कर पाए थे। सिडनी ने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो कि एक सोनेट सीक्वेंस है, 108 सोनेट्स का जो सीक्वेंस है, वो इसी पेनेलोप डेवरक्स को डेडिकेट किया है और इसी को ही एड्रेस किया है। सिडनी वॉज नाइटेड इन 1583 में ही वॉज नाइटेड, इसीलिए इनके नाम के आगे, फिलिप सिडनी के आगे सर लिखा जाता है। एंड 1583 में ही पेनेलोप डेवरक्स ने शादी कर ली थी रॉबर्ट रिच से अगेंस्ट हर विल। सो दो ओकेजनली इन कॉन्फ्लिक्ट विद क्वीन एलिजाबेथ बिलीव ही वॉज ग्रेट एसेट टू क्वींस कोर्ट। अब हम इनकी डेथ के बारे में देखते हैं, इनकी डेथ कैसे हुई और इन्होंने क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपनी डेथ में बहुत ब्रेवरी वाले काम किए। बैटल ऑफ जूटफिन में इनकी डेथ हुई थी। बैटल ऑफ जूटफिन में इनको इनकी थाइस में शॉट कर दिया गया था और इसी कारण इनको इन्फेक्शन हो गया था। और जब इनको शॉट किया था उसके 26 डेज बाद इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 31। जब उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने देखा कि वन ऑफ द सोल्जर्स, एक सोल्जर था जिसके पास आर्मर नहीं था, तो उन्होंने अपना आर्मर ग्राउंड में फेंक दिया और उस सोल्जर को दे दिया, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि इनके नीड से ज्यादा उस सोल्जर की ज्यादा नीड है। एंड जब वो डाइंग लेटे हुए थे तब उन्होंने अपना एक सॉन्ग भी कंपोज किया जो कि उनके डेथबेड पे गाया जाए।
एंड एज ही वॉज लाइंग वोंडेड उन्होंने अपना पानी एक दूसरे वोंडेड सोल्जर को दिया और कहा दाई नेसेसिटी इज येट ग्रेटर देन माइन. तो उनकी जो डेथ थी बहुत ही ज्यादा शिवेलरस तरीके से हुई एंड ही वॉज द ब्रेव शिवेलरस जेंटलमैन. अब हम आते हैं इनके वर्क्स पे. तो इनका जो पहला वर्क था वो था लेडी ऑफ मे. द लेडी ऑफ मे एक वन एक्ट प्ले था. ये पेस्टोरल प्ले था और ये मास्क था. इट वॉज परफॉर्म फॉर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1578-79. और इस मास्क के एंड होने पर क्वीन एलिजाबेथ को खुद कहा कि उसमें मेडिटेट करें और इसके आउटकम के बारे में बताएं. तो इन्होंने जो मास्क लिखा जिसका नाम था द लेडी ऑफ मे. नेक्स्ट वर्क है इनका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसको एस्ट्रोफिल एंड स्टेला भी कहा जाता है. इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1591. ये इसमें 108 सोनेट्स हैं एंड 11 सॉन्ग्स हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो सोनेट सीक्वेंस है पेनेलोप रिच या पेनेलोप डेवरक्स को एड्रेस किया गया था. अब एस्ट्रोफिल और स्टेला, एस्ट्रोफिल का मतलब है एस्टर और फिल से बना है. एस्टर मीन्स स्टार, फिल मीन्स लवर. सो एस्ट्रोफिल मीन्स स्टार लवर एंड स्टेला मीन्स स्टार. तो जो स्टार लवर है यानी कि जो एस्ट्रोफिल है वो है सिडनी एंड जो स्टेला है जो कि स्टार है वो थी पेनेलोप रिच. एंड ये एस्ट्रोफिल एंड स्टेला पेट्रार्कन सोनेट की फॉर्म में लिखा है जिसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CDCEE. और ये इंटरलिंक्ड सोनेट है. एक सोनेट दूसरे सोनेट से इंटरलिंक्ड है. प्रोग्रेसिव राइज एंड फॉल ऑफ लव के बारे में इसमें दिखा रखा है. सो दिस वॉज द फर्स्ट एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला रिटन बाय फिलिप सिडनी. इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, या सिंपली इसको आर्केडिया भी कहा जाता है. ये इनका एक प्रोज वर्क है. ये प्रोज पेस्टोरल रोमांस है विच वॉज इंटेंडेड टू राइट टू एंटरटेन हिज सिस्टर. अपनी सिस्टर को एंटरटेन करने के लिए लिखा था. इनके सिस्टर का नाम था मेरी हर्बर्ट जो काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक थी. इन्होंने इसमें एकोलॉग्स भी लिखे. आर्केडिया की हर बुक को अलग बुक्स दूसरी बुक से अलग करने के लिए बीच में इन्होंने इकलॉक्स या फिर कुछ पोयम्स भी लिखी. बट दिस वर्क वॉज इनकम्प्लीटेड. ये फिलिप सिडनी का इनकम्प्लीटेड वर्क था जो कि इनकी सिस्टर मेरी सिडनी ने कंप्लीट किया. सो दिस आर्केडिया वॉज द वर्क ऑफ फिलिप सिडनी एज वेल एज मेरी सिडनी. फिलिप सिडनी ने इसकी शुरुआत की थी एंड इसको कंप्लीट मेरी सिडनी ने किया था. नेक्स्ट वर्क इज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री रिटन इन 1580 बट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1595. एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप उसको प्लीज चेकआउट कीजिएगा. बट एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री को अ डिफेंस ऑफ पोएसी या अ डिफेंस ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है. एंड दिस वर्क वॉज मोटिवेटेड बाय स्टीफन गॉसन बुक द स्कूल ऑफ एब्यूज विच वॉज रिटन बाय हिम इन 1579. 1579 में स्टीफन गॉसन की एक बुक आई थी द स्कूल ऑफ अब्यूज, जिसमें उन्होंने पोएट्री के अगेंस्ट कुछ बातें कही. उन्होंने चार चार्जेस लगाए पोएट्री के अगेंस्ट. दैट पोएट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, पोएट्री इज द नर्स ऑफ अब्यूज. प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोएट फ्रॉम आइडियल रिपब्लिक. तो इन्हीं चार्जेस के ऊपर ये आर्ग्यूमेंट करते हैं इसी एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री. इसकी अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर चेक करना. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. नेक्स्ट वर्क है इनका द सिडनी साम्स. ये फिलिप सिडनी ने लिखा था एंड मेरी सिडनी ने लिखा था. ये इन दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क था एंड इसमें इन्होंने साम्स को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. मेरी सिडनी कंप्लीटेड द बुक एंड गेव अ कॉपी टू क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट. एडमंड स्पेंसर, जो कि फिलिप सिडनी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने अपना वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर इनको फिलिप सिडनी को ही डेडिकेट किया था. साथ ही साथ इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ के बाद एडमंड स्पेंसर ने एलिजी लिखी जिसका नाम था एस्ट्रोफिल, जो कि एक पेस्टोरल एलिगी थी एस्ट्रोफिल,
ऑन सर फिलिप सिडनी, डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी पे लिखी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट सर फिलिप सिडनी, जिसमें हमने इनके वर्क्स को देखा, साथ ही साथ इनकी लाइफ को देखा कि हाउ जेंटल मैन, हाउ ब्रेव पर्सन ही वॉज। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।